नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ रही है एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी के बाद मार्केट नीचे आया, अब मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए उससे पहले गोल्ड में और सिल्वर में? मृत्युंजय जी, काफी अहम बैठक है और टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करना चाहिए। मेरी राय यही रहेगी गोल्ड में कि जब तक 61,400 से ऊपर आके कंफर्मेशन ना दे, बाय नहीं करनी चाहिए। बाइंग करनी है तो 61,400 पे बाय करनी है। टारगेट रखना होगा 61,650 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 61,300 का। और मुझे लग रहा है कि ये जो एक रिकवरी आ रही है, हो सकता है कि ये थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड हो यहाँ पर। ओके, तो क्या कॉल, प्रॉपर कॉल क्या होनी चाहिए आज आज के लिए, इंट्राडे के लिए सिल्वर में, अगर स्पेशली पूछूं आपसे तो? जी, सिल्वर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में, मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 72,200 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 72,600 का टारगेट होगा, बहुत लंबा टारगेट यहाँ नहीं रखना होगा और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,000 का यहाँ पे। तो दोनों ही कॉल में बाइंग कॉल रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लगाना होगा और लेवल्स आने पे ही यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल पर कोई व्यू आपका क्रूड में, अगर आपको लगता हो कि हाँ इस लेवल पे बाइंग करना ठीक है, क्या करें कच्चे तेल पे, ये बताइए। मुझे लग रहा है कि काफी फॉल आया है और $70 के बाद एक यहाँ पे बाउंस आता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स में भी 6,000 के नीचे कमोडिटी आई और वहां से एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। इस बाउंस का फायदा इंट्राडे ट्रेडिंग में मिल सकता है, तो 6,050 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6,125 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6,020 का। और मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस ज्यादा ऊपर नहीं, लेकिन 6,125 से लेके 6,160 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ दिखा सकता है। तो एक छोटी सी तेजी यहाँ पे आने की उम्मीद है, वहां पे एक बाइंग कॉल लेके चल सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। बेस मेटल पर व्यू आपका, मेटल में क्या करना चाहिए? मुझे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट कॉपर अच्छा लग रहा है और क्योंकि दिसंबर में वाइंड अप होंगे पोजीशन, तो यहाँ पे मैं जनवरी में कॉल देना चाहूंगी। 721 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 726 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 719 का रखना होगा। और फिर यहाँ पे इंडिकेशन अगर देता है कि मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे कट होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आएगा और बेस मेटल्स वगैरह में भी एक तेजी जो है वो आती हुई दिख सकती है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि मेटल में आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में जीरा लगातार नीचे आ रहा है, गिरावट थम नहीं रही है, 36,000 के करीब पहुंच चुका है जीरा। दिसंबर का वायदा, जनवरी का वायदा 36 के नीचे आ गया है, क्या करें जीरे में? मृत्युंजय जी, मुझे अगर कहा जाए वीकली चार्ट पे या फिर अगर फंडामेंटल्स ही अगर यहाँ पे ट्रैक करें, एक तो यहाँ पे गैप है कि स्पॉट यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में भी फॉल दिख रहा है कि और डीप हो सकता है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 33,000 तक एक बार आ सकते हैं अपने सपोर्ट के पास। यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल में मुझे लग रहा है कि अगर जीरे की बात की जाए तो 35,550 के करीब यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट रखना होगा यहाँ पे 35,200 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 35,700 का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में हर राइज पे फिलहाल अभी सेलिंग आने की ही उम्मीद है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर, इस पर आप नजर रखिए। जी, ग्वार में क्या हो रहा है वंदना जी? ग्वार में लगातार दबाव भी है, मजबूत फंडामेंटल के बावजूद ग्वार का मार्केट नहीं चल पा रहा है, क्या करें ग्वार? ग्वार मील का तो डिमांड बढ़िया निकल के आ रहा है मृत्युंजय जी, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड की थोड़ी सी यहाँ पे कमी हो रही है ग्वार गम में। ओवरऑल अगर ईयरली देखा जाए तो वो कमी है, एक प्रोडक्शन कम होने की न्यूज के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट एक ट्रिगर है जो कि मिसिंग है मार्केट से, और ग्वार मील का जो डिमांड है वो यहाँ पे बेहतर हुआ है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ग्वार गम में एक जो डाउनसाइड है वो बना रहेगा, 11,100 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगी, 10,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगाना होगा 11,225 का। और मुझे लग रहा है कि 10,800-10,600 के करीब यहाँ पे बाइंग रिटर्न आएगी, तो अभी जो मार्केट है ग्वार काउंटर में ऊपर नीचे दोनों के मूव्स को देख सकता है। ठीक है, टर्मरिक पर आपका कोई व्यू? हल्दी भी आज दबाव में है, वहां क्या करें? जी, हल्दी में तो बहुत ज्यादा प्रेशर है और मुझे लग रहा है जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टैंगो में काफी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 2-3 महीने का यहाँ पे गैप है
वहां पे मुझे लग रहा है कि दबाव थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में दबाव ज्यादा दिख रहा है। वहां पे मैं सेलिंग रिकमेंडेशन ही दूंगी, 14,250 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 14,000 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,310 का होगा करीब करीब। और मुझे लग रहा है मितुंजय जी, जब तक एक्सपोर्ट का ट्रिगर यहाँ पे गुआर हो, मेंथा हो, स्पाइसेस हो, इन कमोडिटीज पे नहीं आता है, तब तक घरेलू डिमांड से यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिगर आने की उम्मीद नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।